नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर जो है वह सेकंड ग्रेड की भर्ती जो है वह बहुत जल्द आने वाली है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है वह करवाने वाली है। फिलहाल संस्कृत विभाग की जो है वह सेकंड ग्रेड भर्ती आ चुकी है, उसके फॉर्म भर चुके हैं, दिसंबर में उसका एग्जाम है। लेकिन आरपीएससी की जो आपके एक प्रकार से अगर अपन बात करें स्कूल एजुकेशन वाली जो भर्ती है वह बहुत जल्द आने वाली है। एक बड़ी भर्ती आने वाली है सेकेंड ग्रेड की। आप सभी को पता है सेकेंड ग्रेड के अंदर जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें एक पेपर फर्स्ट होता है जो कि जीके जीएस का होता है, और पेपर सेकंड होता है जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज होता है, चाहे वह इंग्लिश का हो, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वह एसएस का हो, चाहे वह मैथ का हो, चाहे वह साइंस का हो। इस प्रकार से अलग अलग जो है वह आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर होते हैं। फिलहाल सेकंड ग्रेड के अंदर एक नया अपडेट सरकार ने किया था या फिर बोर्ड ने किया था कि जो न्यूनतम दोनों पेपर के अंदर 40-40% वाला जो एक आपके ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है। अब जो है वह आपको टोटल जो है नंबर उनका 40% उसमें रखा गया है। इसका मतलब मैथ और साइंस में जहां पर सेकंड पेपर के अंदर 40% नंबर लाना मुश्किल था, उन पेपरों के अंदर अब ये किया जा सकता है कि आप पेपर फर्स्ट के अंदर अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कीजिए। पेपर फर्स्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आइए। पेपर सेकंड में मान लीजिए किसी कारण से आपके 25-30% ही बने, लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से आप जो है वह ऑल ओवर जो आपका एग्रीगेट स्कोर है उसको आप बढ़ा सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन को जो है वह बहुत अच्छी रैंक के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आप सभी के लिए सेकंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वह लाई गई है। सेकंड ग्रेड के लिए पेपर फर्स्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज है वह आपके लाई गई है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होने वाली है, यानी कि टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलने वाली है, तो यह अपना जो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको यह टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज की अगर अपन बात करें तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कुल 20 टेस्ट मिलने वाले हैं। टोटल टेस्ट कितने मिलेंगे? 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से टॉपिक वाइज टेस्ट कितने रहने वाले हैं तो 12 टेस्ट जो है वह आपके टॉपिक वाइज इसमें रहने वाले हैं, और फुल लेंथ टेस्ट कितने रहेंगे तो 8 रहेंगे। यानी टॉपिक से है 12, फुल है आपके 8, तो इस प्रकार से टोटल आपके 20 टेस्ट हो जाते हैं। बाद में भी अगर एग्जाम डेट के बाद में अगर थोड़ी देर से अगर एग्जाम होता है, टाइम अगर बचता है, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट और दे दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि 20 टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। पेपर फर्स्ट जो कि आपके जीके एंड जीएस का पेपर होता है, तो जीके के पेपर का जो है वह आपके टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज की अगर अपन विशेषताओं की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज जो है वह आपके अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो आपके अध्ययन सामग्री है उस पर आधारित यह टेस्ट सीरीज रहने वाली है। टेस्ट सीरीज के अंदर आपके जो है वह रिवीजन के लिए री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप पहली बार जब टेस्ट देंगे तब आपकी ऑल राजस्थान रैंक आ जाएगी। उसके बाद में अगर आप टेस्ट देते हैं तो रैंक नहीं आएगी, लेकिन आप री अटेम्प्ट कितनी भी बार उसको कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। इसके साथ साथ में तथ्यात्मक और अवधारणात्मक जो प्रश्न है उनका बेहतरीन संकलन आपको मिलने वाला है। फुल लेंथ जो टेस्ट है उनसे पहले आपके जो है वह टॉपिक वाइज जो टेस्ट है इनमें ये होता है कि भाई टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है और टेस्ट 3 है। इन तीनों टेस्टों के अंदर आपके जो शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल का पूरे का जो है वह टेस्ट 4 के अंदर रिवीजन होगा। तो एक बार रिवीजन यहाँ पर होगा, दूसरी बार रिवीजन यहाँ पर होगा, तीसरी बार रिवीजन फुल लेंथ में होगा। तो यानी कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके 3 से 4 बार जो है वह आपके सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। ये आपको इसमें विशेषता मिलती है। टेस्ट सीरीज कितने रुपए की रहने वाली है? टेस्ट सीरीज की देखिए प्राइस जो है वह 299 है, यानी कि 299 रुपए आपके इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है। कितनी है? 299 रुपए उसकी प्राइस आती है। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि 299 के ऊपर यदि आपको अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट चाहिए, तो आपको एक कोड यूज करना होगा। कोड जो है वह आपका वो वाला कोड है जिसको आप कहीं पर भी क्वालिटी एजुकेशन के टेस्ट सीरीज के अंदर, चाहे आप कोर्स के अंदर कहीं पर भी लगाए, आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और लेकिन आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर यदि VSR01 ये कोड लगाते हैं तो आपको अतिरिक्त जो है वह 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज यदि आपको लेनी है तो VSR01 आपको लगाते ही 299 पर और अलग से 20% का आपके क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि लगभग जो है यह टेस्ट सीरीज अगर अपन बात करें तो आपके लिए जो है वह 140 रुपये के आसपास जो है वह टेस्ट सीरीज यह रहने 240 के आसपास जो है वह आपके हो जाएगी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपके हो गया। अभी अपन बात करते हैं कि इसके पहले शेड्यूल के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। टेस्ट सीरीज कब से शुरू हो रही है, यानी कि शेड्यूल वन जो है, इस शेड्यूल वन के अंदर अगर अपन बात करें तो 11 अगस्त 2024 यानी कि संडे के दिन जो है यह आपके पहला टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर पहला टेस्ट अपने को संडे को मिल रहा है, इसका मतलब इसकी तैयारी कब से शुरू करनी है? आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। नो योर एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसको अपन कवर करने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी अपने को बुक्स पढ़नी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपन वहाँ पर देखने वाले हैं।
11 अगस्त को पहला टेस्ट आपको सेकंड ग्रेड का मिलेगा। पूरा का पूरा एग्जाम जो पैटर्न है उसके आधार पर यह टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपके 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, जो आपको एग्जाम के अंदर भी 2 घंटे मिलते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। साथ साथ में 100 क्वेश्चन जो है वह इसमें रहने वाले हैं और 200 नंबर का इसमें टोटल जो है वह आपके पोर्शन मिलेगा। यानी कि 200 नंबर अगर आपके यहाँ पर है, मान लीजिए एग्जाम के अंदर अगर आप जीके के पेपर में 130 नंबर 125 नंबर यदि लेकर आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर होता है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप इसमें 150 प्लस नंबर जो है वह ला सकते हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, क्योंकि जीके जीएस का पेपर है, इतना लेंथी जो है वह जीके नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट में जीके पूछा हुआ है, आप वहां से अच्छे से करके 150 प्लस ला सकते हैं नंबर। तो मेरा यही कहना है कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है वह जीके वाले पेपर पर मेहनत करनी है, विशेष रूप से जो स्टूडेंट साइंस और मैथ से सेकंड ग्रेड दे रहे हैं उनको पेपर फर्स्ट के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब वो 40% वाला जो लफड़ा था वो हटा दिया है। इसका मतलब अब पेपर फर्स्ट जो है वह आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा कि आपके पेपर फर्स्ट में कितने नंबर हैं। तो शेड्यूल वन जो 11 अगस्त को आपका टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, उसमें देखिए सबसे पहले आपके राजस्थान जीके से प्रश्न आएंगे, और राजस्थान जीके से अगर अपन बात करें तो राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और आपके जनरल नॉलेज से प्रश्न आएंगे। और पहले शेड्यूल के अंदर जो है वह आपके फिजिकल फीचर्स यानी कि जो भौतिक विशेषताएँ हैं राजस्थान के भूगोल की, यानी कि उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इन टॉपिक से यानी कि जो पहला चैप्टर आता है भौतिक प्रदेश या भौतिक विशेषताएं, वहां से आपको पूछे जाने वाला है ज्योग्राफी के अंदर पहला टॉपिक। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो आपके जो आपके हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें से हिस्ट्री का टॉपिक उठाया गया है आपके सिविलाइजेशन का, यानी कि सभ्यता का टॉपिक उठाया गया है, जिसमें एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें आपको कालीबंगा पढ़ना है, जिसके अंदर आपको आहड़ पढ़ना है, जिसमें आपको गणेश्वर पढ़ना है और आपको बहराट पढ़ना है। आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पूरा का पूरा जो है वह टू द पॉइंट सिलेबस लिखा हुआ है, विस्तृत सिलेबस नहीं है, इसलिए आपको टू द पॉइंट ही चीज़ों को पढ़ना है। यानी कि अगर आपको सभ्यता का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बहराट इन्हीं में से ही पूछा जाने वाला है, क्योंकि सीधा का सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी से आ गया भौतिक विशेषताएं, राजस्थान के जो इतिहास है उससे आ गया सभ्यता का टॉपिक, और फिर अगला टॉपिक आपके सब्जेक्ट आती है राजस्थान की पॉलिटी, और राजस्थान की पॉलिटी से आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, जिसमें आपको गवर्नर पढ़ना है और रोल एंड फंक्शन, यानी कि आपको राज्यपाल, उसके कार्य और उसके जो आपके शक्तियाँ वगैरह हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको भौतिक विशेषताएँ पढ़नी है ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर भौतिक विशेषता पढ़नी है। ठीक है, और इतिहास के अंदर जो है वह आपको सभ्यता पढ़नी है, ये पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है ना, और राजस्थान पॉलिटी से जो है वह आपके राज्यपाल पहला टॉपिक रहने वाला। यानी कि राजस्थान जीके में आपको 11 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें 3 चीज़ें पूछी जाएगी, भौतिक विशेषताएँ, सभ्यता और राज्यपाल। उसके बाद में आता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि आपके सिलेबस में दूसरी चीज़ आती है भारत और विश्व का जो है वह सामान्य ज्ञान, और उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। विश्व भूगोल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्टिनेंट्स, यानी कि आपको पढ़ना है जो महाद्वीप है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा ओशियंस एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके जो महासागर हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपको पूछी जाएगी। उसके बाद में आता है ग्लोबल विंड सिस्टम, यानी कि वैश्विक जो एक प्रकार से पवन जो आपके प्रणाली है, जो आपके सिस्टम है, उसके बारे में आएगा। उसके बाद में एनवायरमेंटल इशू एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि आपके पर्यावरणीय जो मुद्दे वगैरह हैं वो आएगा। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, यानी कि वैश्वीकरण और इसके क्या प्रभाव है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, यानी कि जनसंख्या का वितरण और जो आपके प्रवास है उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी कि इंडिया और विश्व के जो जीके है उसमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है वह आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहा है, जिसमें आपको यहाँ से देखिए महाद्वीप पढ़ना है, आपको महासागर पढ़ना है, आपको वैश्विक जो पवन जो आपके प्रणाली है उसको पढ़ना है, पर्यावरणीय जो आपके एक प्रकार से मुद्दे हैं वो पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण आपको पढ़ना है, और जनसंख्या का वितरण ये पढ़ना है। ये आपके रहेगा पहले शेड्यूल के अंदर आपके इंडिया और वर्ल्ड से। जैसे ही आपके वर्ल्ड वाला हो जाएगा एंड, फिर आपके इंडिया ज्योग्राफी शुरू कर दी जाएगी। इंडिया से आपके 3 ही चीज़ें हैं, सॉरी आपके इंडिया और वर्ल्ड से आपके 3 चीज़ें हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया पॉलिटी है। तो पहले जो है वह इंडिया अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया जा रहा है। उसके बाद में अगला आएगा एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि आपके जो शैक्षणिक जो एक प्रकार से मनोविज्ञान आपके पूछा जाता है सिलेबस में, उसमें आएगा आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इट्स मीन, यानी कि इसका मतलब क्या है, स्कोप एंड आपके स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स एंड क्लास इन क्लासरूम सिचुएशंस,
इस प्रकार का जो आपके पहला टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ से आपके इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। आपके सिलेबस में केवल जो है वह राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और जो करंट अफेयर्स, चूंकि अपन ये मान रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की जो आपके दिसंबर में भर्ती हो रही है उसको टारगेट करके भी अगर अपन देखें तो दिसंबर जो संस्कृत विभाग वाली सेकंड ग्रेड है उसमें जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक पूछा जा सकता है। इसलिए अपन करंट अफेयर्स को जो है वह जनवरी 2024 से अपन शुरू कर रहे हैं, और पहले टेस्ट में आपके जनवरी और फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स पूछा जाने वाला है। तो ये आपके पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वह सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट शेड्यूल के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये आपको 11 अगस्त के दिन पहला टेस्ट रहने वाला है। बाकी ये आपके टेस्ट सीरीज है, आप जैसे ही क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाएंगे, 7वें 8वें नंबर पर आपको सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप VSR01 लगा देंगे तो आपको अतिरिक्त जो है वह 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज जो है वह आपको ओपन हो जाएगी। तो आपको टेस्ट सीरीज की तैयारी जो है, आपकी जो तैयारी है वह आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड को अपन नो योर एग्जाम के अंदर भी लेकर और डिटेल में आपके लिए एक वीडियो जो है वह बहुत जल्द प्लान करने वाले हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, बाकी अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखिए। RPSC जो आपके स्कूल एजुकेशन वाली जो भर्ती है वह बहुत जल्द आने वाली है सेकंड ग्रेड की, इसलिए आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। धन्यवाद।